हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसे दर्द निवारक भी कहा जाता है। गर्म दूध में मिलाकर इसे पानी से शरीर का दर्द दूर हो जाता है। हल्दी एक ओर जहां सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर मांगलिक कार्यक्रमों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। विष्णु की पूजा में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में इसे सुख और समृद्धि का कारक भी माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग सभी शुभ कार्यों में किया जाता है। पीली हल्दी के महत्व के बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन काली हल्दी के बारे में कम लोग जानते हैं। दरअसल पीली हल्दी के अलावा काली हल्दी भी बेहद लाभकारी मानी गई है। ज्योतिष में काली हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए काली हल्दी के उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं काली हल्दी के उपायों के बारे में। फिजूल खर्च से बचने के लिए किसी चांदी के डिब्बे में काली हल्दी, नागकेसर और सिंदूर को एक साथ रखें और किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर मां लक्ष्मी के पैरों में स्पर्श करें। इसके बाद इसे अपने घर में जहां धन रखते हैं उस स्थान पर रखें। इस उपाय को शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पैसा टिकता है और फिजूल खर्ची नहीं होती। मान्यताओं के अनुसार आर्थिक तंगी से बचने के लिए किसी भी गणेश चतुर्थी को जब अमावस्या और शुक्रवार का संयोग बने तब पीले कपड़े में काली हल्दी और एक चांदी का सिक्का रखकर पूजा स्थल पर रखें और फिर उसे बाद में तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से पैसे की कमी नहीं होती, साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। काली हल्दी पीसकर उसमें केसर या किसी पवित्र नदी का जल मिलाएं और इस पेस्ट को गले या अन्य दूसरी जगह पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह उपाय माह के पहले बुधवार के दिन करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। काली हल्दी को सिंदूर के साथ लाल कपड़े में लपेटकर इसे गुरु पुष नक्षत्र के संयोग पर पहले पूजा वाले स्थान पर रखें, फिर तिजोरी या धन रखने पर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में धन वृद्धि होती है। आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हरे कृष्णा। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।